वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय इतिहास का भाग 10। 9 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए, तो आप उन्हें देख लीजिए। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए और हमारे लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, सिकंदर लोदी ने कब से कब तक शासन किया? सन 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 162, सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या था? इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 163, सिकंदर लोदी के शासन काल में जौनपुर का सूबेदार कौन था? बरबक शाह था। क्वेश्चन नंबर 164, सिकंदर लोदी धर्मांध मुसलमान था। क्वेश्चन नंबर 165, सिकंदर लोदी ने निम्न में से किस मंदिर को तोड़ा? ज्वाला देवी मंदिर, मथुरा के मंदिर, उदयगिरी के मंदिर, उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 166, तारीख ए दाऊदी का लेखक कौन था? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अब्दुल्ला था। क्वेश्चन नंबर 167, आगरा नगर की नींव डालने वाला सिकंदर लोदी था। क्वेश्चन नंबर 168, सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 1517 ईस्वी में हुई थी, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 169, इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था 1517 ईस्वी में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 170, इब्राहिम लोदी को सर्वप्रथम किस विद्रोह का सामना करना पड़ा? जलाल खां का। क्वेश्चन नंबर 171, इब्राहिम लोदी के कार्यकाल के समय ग्वालियर का राजा कौन था? विक्रमजीत था, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 172, इब्राहिम लोदी के काल में मेवाड़ का राजा कौन था? राणा संग्राम सिंह था, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 173, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 174, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 175, पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश का अंत हो गया, इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 176, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की असफलता का क्या कारण था? इब्राहिम की सैनिक दुर्बलता, बाबर का तोपखाना, इब्राहिम लोदी अयोग्य तथा घमंडी था, उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 177, लोदी वंश का समापन हुआ 1526 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 178, दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण क्या था? हिंदुओं के साथ अत्याचार, शासन व्यवस्था की दुर्बलता, मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज तुगलक की भूलें, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 179, दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है तुगलक काल से, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 180, सल्तनत काल के पतन में सहायक कारण थे उत्तराधिकार के नियम का अभाव, दास प्रथा, सेना की दुर्बलता, उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 181, सल्तनत के शासन के प्रति उदासीन वर्ग था अमीर वर्ग, सामंत वर्ग, ये दोनों वर्ग थे, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 182, सर्वाधिक दास किस सुल्तान के काल में बनाए गए थे? फिरोज तुगलक के काल में बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 183, किस लोदी सूबेदार ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? दौलत खां लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 184, सल्तनत कालीन शासकों की नीति थी धर्मांधता पूर्ण, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 185, सल्तनत काल में किस भावना का उदय हुआ था? जातिवाद का, छुआछूत का, उग्रवाद का, उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 186, सल्तनत कालीन शासक हिंदुओं से कौन सा कर वसूल करते थे? जजिया कर, तीर्थयात्रा कर, उपर्युक्त दोनों में तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 187, देश की आर्थिक स्थिति को जर्जर बनाने का कारण था मोहम्मद तुगलक की योजना, सामंतों का लालच, मंगोल आक्रमणों को रोकना, उपर्युक्त सभी में चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 188, लोदी वंश के किस शासक को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? इब्राहिम लोदी को, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 189, सल्तनत काल में गद्दी की मात्र निर्णायक शक्ति थी तलवार की शक्ति, इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 190, सुल्तान का महत्वपूर्ण कार्य था इस्लाम की रक्षा, राज्य का विस्तार, इसमें ये दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 191, दीवान ए वजारत किस विभाग से संबंधित अधिकारी है, राजस्व विभाग से, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 192, सदर उस सदर किस विभाग का प्रधान होता था, धर्म विभाग का, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 193, राज्य में प्रमुख न्याय विभाग के अधिकारी का नाम था, काजी उल कुजात, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 194, प्रत्येक एकता में किस अधिकारी को विशेष सैनिक अधिकार प्राप्त थे, मुक्ता अथवा वली, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 195, एकताओं का विभाजन किया गया था, सिकों में किया गया था, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 196, उष्ट्र किस प्रकार का कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 197, जजिया कर को गैर मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाजित किया गया था, तीन भाग में किया गया था, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 198, दिल्ली सल्तनत कालीन लगान में निम्न में से कौन सा दोष रहा था, पैदावार के अनुमान पर कर निर्धारण, ठेके पर कर की वसूली, भूमि का नाप न करना, उपर्युक्त सभी, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 199, सैनिक अंग खास खेल में सम्मिलित थे, शाही अंगरक्षक, शाही गुलाम, इसमें दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सेना का अंग नहीं था, रथ सेना इसका अंग नहीं था, इसमें पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 201, राज्य में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, सुल्तान होता था, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 202, सल्तनत काल में सामान्य रूप से दंड विधान था, कठोर, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 203, सल्तनत काल में राज्य का स्वरूप था धर्मतंत्रीय, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 204, हिंदू और मुसलमान व्यापारियों में चुंगी कर में अंतर था, दोगुना अंतर था, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 205, मुस्लिम आक्रमणकारी शासकों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था, धन लूटना, मंदिर व मूर्तियों को तोड़ना, इस्लाम का प्रचार करना, उपर्युक्त सभी, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 206, सल्तनत कालीन शासक हिंदुओं के सहयोग से वंचित रहे, धर्मांधता के कारण। क्वेश्चन नंबर 207, दीवान ए अर्ज किस विभाग का प्रधान था, सैन्य विभाग का प्रधान था, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 208, वरीद ए मुमालिक संबंधित अधिकारी था, राजस्व विभाग से। क्वेश्चन नंबर 209, सम एक्सपेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक निम्न में से कौन हैं, डॉक्टर आर पी त्रिपाठी हैं, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 210, द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है इब्न हसन। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 210 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।